कई लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है गुरुदेव, कोई उपाय बताओ ना कर्जा चुकाने के लिए। तो इतना करे ही काय को, अब उसमें गुरु जी क्या करें, कर्जा का नाम ही धीरे धीरे पढ़ कर देखो, कर जा, धीरे धीरे पढ़ के देखो, गुरु जी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस नाम में ही सब कुछ छुपा है। कर जा, किसके लिए कर, अपने परिवार के लिए, मकान बना लो, गाड़ी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो, और कर करके जा, वही तो कर जा। किसके लिए करा, कभी गुरुजी के लिए तूने कर्जा करा? अरे बोल तो सरी। कभी किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए तूने कर्जा करा? कभी कहीं तीर्थ व्रत का आनंद करने के लिए, ब्राह्मण भोज, साधु भोज, संत भोज, सन्यासी भोज, तपस्वी भोज, साधक भोज के लिए कर्जा करा? नहीं। कर किसके लिए करा, पत्नी के लिए, किसके लिए करा, बच्चों के लिए, मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं दुकान लगाऊं, मैं ये करूं, मैं थोड़ा लोन लेके मकान बना लूं, किसके लिए बना रहा, गुरुजी के लिए, किसके, कर फिर जा, कर करके कि तय कर जाना, कि तय, चाहे छोरों के लिए कर लो, चाहे छोरी के लिए कर लो, चाहे दामाद के लिए कर लो, चाहे पति के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे कुटुंब के लिए, कभी कर्ज, तुम दुनिया का सारा लोन तुम्हारे माथे ले लेके तुमने तो बना दिया, बाद में चुकाएगा कौन? इतना कर्जा हो गया गुरुजी, अब तो जाऊं ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लो। तो हमने कहा बिल्कुल कर ले, उसमें टेंशन क्या है? पर मरने से पहले एक बात अच्छे से सुन ले, जिनके लिए करा है, जिनके लिए करा है, एक बार उनसे तो बात कर ले कि अब मेरे को देखो 5 लाख का कर्जा हो गया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी, मैंने दुकान बनाई थी, घर बनाया था, मैंने जमीन जायदाद बनाई थी, पहले इनसे बात कर कि तुम्हारे पास में कितनी कितनी रकम रखी, सब हाथ निकालो, अपने अपने हार निकालो, ने पाटली निकालो, ने जेवर निकालो, ने पायल निकालो, सब बेच दे, अब भी कर्जा चुक जा, पर कोई देगा? अरे बोलो तो सर, नहीं देगा, सब सोचेंगे अब तो तू जा, कर करके मर जा, बस यही कर जा। शिव कहते हैं कर्जा हो भी गया तो चिंता नहीं करना, शमी का पत्ता शहद में डुबो, श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, कौन सी, श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो, केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा, शिव का श्रृंगार करो, क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका, तब कर्ज से मुक्ति होती है। यह केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको, और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो, चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है, 2 दशमी पे भी नहीं करना, श्रावण महीने की 1 दशमी पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है, 1 दशमी, कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है भगवान, अब उसके भरोसे पर छोड़ दो, कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया, पर विश्वास रखकर,